हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे इज द थर्ड एपिसोड ऑफ पोर्ट्रेट ड्राइंग सीरीज। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आईज लोकेट कहाँ करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए ड्रॉ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं एक रफली सा ड्रॉ कर लेता हूँ, ये फेस की चौड़ाई है, ठीक है, ये चिन, इट्स ऑन ए रफ स्केच, ओके, ये फेस की चौड़ाई है। अब आईज को लोकेट कहाँ करनी है, हमको दो आईज को लोकेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आईज जो होती है, वो जो फेस होती है, वो पांच इक्वल आईज में डिवाइड होती है। वन आईज, टू आईज, थ्री आईज, फोर आईज एंड लास्ट फाइव आईज, ओके, जो कि वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ये हमारी फेस की चौड़ाई होती है। और ये सब आईज डिवाइड कर लिए। जो सेकंड और फोर्थ वाली जो होगी, वो हमारी आईज की लोकेशन होती है एक स्ट्रेट फेस पे। अगर फेस आपकी तरफ देख रहा हो तो ये सेकंड और फोर्थ में आएगी, और थर्ड और दो आंख के बीच में एक आंख की गैप होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरी एक आईज के बराबर ही होगी, वो आप अपने रेफरेंस पिक पे देखिए वो कितना फॉर शॉट कर रही है। जैसे कभी कभार हाफ इसका हाफ फॉर शॉट हो जाती है, कभी इसका हाफ आइस के बराबर फॉर शॉट हो जाती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है अगर आप फर्स्ट और फिफ्थ आइस को देखोगे तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आइस की लोकेशन यही है और इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ नए टेक्निक्स के साथ। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लिप्स का प्रपोर्शंस क्या होती है, लिप्स को लोकेट कहाँ करनी है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को कुछ प्रॉफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।